जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी आपकी बार जिंदाबाद, आपकी बार जिंदाबाद, आपकी बार जिंदाबाद, आपकी बार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, आपकी बार जिंदाबाद। और सारे महामंत्री सारे बैठे, ऐसा एक छोटा जहा कार्यक्रम है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफों, सारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिन्हें नहीं है, एक रूई का पैकेट दिता है, एक डिजिटल थर्मामीटर है घर च, कोई भी उसके अलावा अजक खांसी से बड़ा लग जाता कुछ चली है, यह खांसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा जी मेडिकल किटा, और देखो तो है कि एक पीएमओ च बैठे दे मंत्री और किन्नी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान डॉक्टर साहब रखते हैं कि अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी वास्ते लोगों की सेहत वास्ते इन्नी अच्छी किट है, एक किट भेजी है ताकि लोगों तक किट भेजा, जो लाभार्थी है जी मोदी जी ने स्कीम चलाई है उन्हें लोगों इस चीज़ का फायदा होया, और किट डॉक्टर साहब ने विशेषकर अपने लोगों वास्ते भेजी है कि जिन्हें लोगों नीड है ये किटा उन्हें मिलनी चाहिए। और मेरी तरफा थोड़े सारे का इतना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफा सारा थोड़ा सारे का थोड़ा इस कार्यालय में स्वागत है, और इको बेनती है कि सारी माता भैन बुजुर्ग इतना बैठे दे है, थोड़ी तरफा मैं ये चाहना कि इस बारी थोड़ा आशीर्वाद, पहले भी मोदी जी मिलता रहा, सारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिलता रहा, इस बार भी मैं ये आशा करूँगा विशेषकर माता ही आगे कि थोड़ा आशीर्वाद थोड़ा प्यार एक बार पुनः, दो बार पहले भी तुम्हें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी केंद्र में पुजाया था और पीएमओ में उन्हें बड़े सारे ऐसे कार्य है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपने जनता वास्ते अपने लोगों वास्ते दिन रात नहीं दिखाया, चाहे कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम है लोगों की सेवा वास्ते हमेशा थोड़े वास्ते हाजिर है, और अज बड़ा विशेष दिन है कि डॉक्टर साहब ने किटा वितरण करने सारी ड्यूटी लाई है कि साढ़े लोगों जो सारे वेलफेयर है उन्हें किटा डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मैं थोड़े सारे स्वागत करना उइये कामना करगा। एक ना इस बार पहले डॉक्टर साहब 3.5 लाख की लीड ना जिते, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार थोड़े लोगों के आशीर्वाद नाल थोड़े लोगों की वोट के वजह नाल डॉक्टर साहब लगभग 4.5 लाख वोटों का डॉक्टर साहब ने जितना है, और मोदी जी ने जो नारा दिता है भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिता है आपकी बार 400 बार, मैं आखना आपकी बार 400 बार नहीं आपकी बार 500 पार जाना है कि लोगों का प्यार लोगों का जो आशीर्वाद है मोदी जी उपर विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है, इस बार पुनः तुम्हें लोग डॉक्टर साहब ही केंद्र में पहुँचाना है बारी मुहूर्त जिताई है, और उन्हें अपना आशीर्वाद देना है और प्रार्थना करनी प्रभु अगे कि डॉक्टर साहब दिन दुगनी और रात चुगनी करें। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सारे अगर विनती करें साढ़े बिच साड़ी राष्ट्रीय महिला मोर्चा सचिव मैडम रेखा जी है, साढ़े सरासी साहब बड़े सारे सीनियर नेता डॉक्टर नरेंद्र जी, साढ़े जिन्हें भी शक्ति केंद्र प्रमुख मेरे इतना मंडल से आए हैं, उसके बाद साढ़े संजय जी साढ़े शंकरी साहब साढ़े बड़े सीनियर लीडर इतना आए हैं, मैं सारे स्वागत करना। हूँ एक बार जियां तुसीं लाइन च बैठे उस लाइन तुसीं आंदे जाणा अपनी जगह उठिया ते किट लैंदे जाना, और इस किट का जो इस्तेमाल है तुहानूं डॉक्टर साहब ने बड़ी बांती दस्सिया कि इस किट का कियां इस्तेमाल करना, इहदे च एक पर्ची है, पर्ची च सारा कुछ लिखोदा कि किहदी दवाई किहदे वास्ते है, ते हुण मैं बेनती करदा सारे आ गया कि इत्थों शुरू होई है सारे एक ही जने आंदे आ जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी आपकी बार जिंदाबाद, आपकी बार जिंदाबाद, आपकी बार जिंदाबाद।
जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, बधाई चोरी है बोले सारा आशीर्वाद जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, अब की बार जय सपा, अब की बार जय सपा, अब की बार जय सपा, अब की बार जय मोदी 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 जी। गोपाल जी बताएंगे यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा लाभार्थी संपर्क अभियान पिछले लगभग 7 तारीख से चल रहा है, तो हम लोग आज कठुआ जो हमारा शहरी मंडल है उसके हमारे मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई राहुल देव जी और हमारे जितने भी शहर के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से आज इस कार्यक्रम को प्लान किया गया था। तो बड़ी संख्या में आज जो कठुआ शहर के जो लाभार्थी हैं विभिन्न विभिन्न वार्डों से यहाँ पर लोग आए हैं, जिनको लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिला है या आयुष्मान भारत कार्ड का बेनिफिट मिला है या और सरकार की तरफ से जो नीतियाँ रही हैं उनकी तरफ से जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं, वही लाभार्थियों को आज यहाँ पर सम्मानित करने के लिए भी और उनके साथ बातचीत करने के लिए भी उनको यहाँ पर बुलाया गया। और मेरे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िला के स्पोक्सपर्सन साहब और ज़िला के हमारे मीडिया के प्रभारी मेरे बड़े भाई रविंदर सलाथिया जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जसरोटिया जी जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, रेखा जी जो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं और लगभग सभी कठुआ शहर के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर आए हैं। और लोगों का प्यार आपने देखा, हर हर गुम मोदी घर घर मोदी के लोगों ने नारे लगाए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के नारे लगाए और लोग ये चाहते हैं कि आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार इस संसदीय क्षेत्र से चुन के एक बार बड़ी संख्या में जाएँ। और 4 लाख पार का नारा आज आप सब लोगों ने देखा कि सभी लोगों की तरफ से लगाया कि अब की बार 4 लाख पार। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को 358,000 वोटों से पिछली बार हम लोग जीते थे, तो इस बार लोगों ने ये नारा दिया है कि इस बार हम लोग 4 लाख पार करके जाएंगे। तो बहुत ही भव्य तरीके से आज लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को और स्पेशली जो बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में आई हैं अपनी मर्जी से यहां पर पहुंची हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बहुत ही आशीर्वाद देकर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब यहां से 3-4 लाख वोटों से जीत के जाएंगे, ऐसी शुभकामनाएँ उन्होंने दी है। और बहुत ही उत्साह कहूँ अगर मैं कठुआ शहर के लोगों में आज देखने को मिला है तो मेडिकल किट्स बांटी गई है, उस किट्स में क्या क्या और किस तरह से लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा अभी जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी ने आपको विस्तारपूर्वक ये चीज़ बताई है कि आज ये जो PRO का ऑफिस है यहाँ पर आज ये मेडिकल किट का हमने इसको बांटा गया है और उन लोगों को बांटा गया है जिनको इनकी नीड है। तो सभी वार्डों से सभी नियर बाई जो भी हमारे यहाँ से कठुआ के लोग वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो जो लाभार्थी हमने सभी को बुलाया हुआ था और कोशिश की गई कि उनके घर पे ये एक किट पहुँच जाए। एक मोदी साहब की तरफ से एक और एक मरहम लगाने की बात की है कि कभी गरीब को कभी किसी को कोई गोली दवा चाहिए, कोई पीने की दवाई चाहिए या कोई ऐसी चोट लग जाए उसके लिए जो भी चीज़ें बांटी जा रही हैं ये जो दी जा रही हैं ये इसलिए है कि उनकी मरहम पट्टी करने का काम मोदी सरकार करती है। पर मैं एक बात जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आने वाला समय अब ये इलेक्शन टाइम है और इसमें हमारे कठुआ उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र से अनाउंस हो चुके हैं कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरी बार उनको अनाउंस किया गया है। 2014 में उन्होंने 60,000 की लीड से जीते थे, फिर दूसरी बार उन्होंने 3.5 लाख के करीब करीब लीड से जीते और इस बार जो नारा दिया गया है वो 4 लाख का। और एक बात ये मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है विपक्ष के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं बन रहा जो इनको टक्कर दे सकता है और अभी भी विपक्ष इस चीज़ में है कि हम किसको उतारें, उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विक्ट्री स्लोगन द्वारा दिया गया है संसदीय हमारे सांसद PMO साहब ने जितेंद्र सिंह जी ने कि इस बार
चार लाख के पार। तो ये एक सही एक्यूरेट उसको एनालिसिस किया गया है कि ये चार लाख कैसे होगा। तो मैं यही कहूँगा कि सभी कठुआ और हमारे साथी जो जितने भी हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये एक प्रण और निष्ठा है कि इस बार चार लाख के पार जाएगा और कठुआ से भारी मतों से हमें अपने सांसद को आगे भेजना है। और जितनी भी इस 10 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं, मैंने आज तक 70 साल में ऐसा कोई सांसद नहीं देखा कि जिन्होंने कठुआ के लिए काम किया हो। आप वंदे भारत की बात करें, जो कठुआ में उसका स्टेशन देना, कठुआ में ट्रेन रुकनी वंदे भारत, एम्स का जम्मू विजयपुर में एम्स बनना, IIM, IIT, कितने प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, अब कितने प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर। कठुआ में बायोटेक पार्क, कितने पुल दिए गए, कितना हाईवे जो चल रहा है इस समय। तो ये सारी एक सांसद की एक वो रहती है, जहन में रहता है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। और अभी जो इनॉग्रेशन आज की जा रही है होम्योपैथी की भी, यहाँ जसरोटा में मेडिकल कॉलेज की, होम्योपैथी कॉलेज की बनने की बात कर रहे हैं, तो ये एक उनकी देन है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कठुआ के आवाम से, आने वाले 5 साल में और कठुआ को डेवलप देखना है तो हमें जी बताएंगे आज मेडिकल किट बांटी गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भेजी गई, उसके बारे में। देखिए सर्वप्रथम तो हम सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बधाई देते हैं कि पुनः सरकार ने उन पर विश्वास दिलाया और हम भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार डॉक्टर साहब कम से कम 4 लाख की लीड से विजय बनेंगे। और आप लोगों की ही आशीर्वाद से, आप डॉक्टर साहब 2 बार पहले यहाँ से जीते हैं और एक बार पुनः हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और आप देखिए किट एक माध्यम है लोगों से संवाद करने का, और शायद ही ऐसा कोई मंत्री होगा जो इन छोटे छोटे स्तर पर ये चीज़ें लोगों की मेडिकल फैसिलिटी के लिए सोचता है। और पहले भी आप देखिए डॉक्टरों ने भी एक बहुत अच्छा इवेंट है, डॉक्टर साहब द्वारा उनके माध्यम से एक उनको उनकी सपोर्ट से लोगों की मेडिकल हेल्थ को लेकर वहाँ पे डॉक्टर व्हील्स कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद यदि मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो हज़ारों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डॉक्टर साहब की देन है, इस हमारे केवल उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका फ़ायदा हम ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि थोड़े दिन पहले एक सौगात मिली हम सब लोगों को कि यहाँ पे एम्स हमारे पास ही विजयपुर में खुला है। और आप कल्पना कीजिए कि जब आज से हम 10-15 साल पहले सोचते थे एम्स जाके दिल्ली में मिलता था, और आज वही कल्पना मोदी जी के माध्यम से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट था लोगों के साथ, उसका रिजल्ट है कि आज हमारे ठीक 60 किलोमीटर दूर एम्स वहाँ पर बना हुआ है। और कई ऐसे हमारे कठुआ का मेडिकल कॉलेज देख लो, आज देखो डॉक्टर साहब होम्योपैथिक जो कॉलेज है उसका भी जमीन का निरीक्षण करेंगे, जल्दी यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो हम केवल अपनी स्वार्थ के लिए छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर ओवरऑल हमें विजन सोचना पड़ेगा कि मोदी सरकार का जो विजन है या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो विजन है उसको समझना पड़ेगा कि इन लार्ज इन जनरल हम लोगों को उस चीज़ का फायदा हो रहा है। और आज हमने किट लगभग 200 लोगों के अंदर किट का वितरण किया, और उसके साथ ही साथ हमारा जो एक भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी संपर्क अभियान एक कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत आज हमने जो हमारी लाभार्थी थे उन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके उनके उनकी जो बातें वो भी सुनी कि किस तरह से मोदी जी के जो स्कीम्स है उसका लाभ उन लोगों हुआ है और किस तरह से आगे भी उन लोगों को लाभ लेंगे। और मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कठुआ मंडल की मेडिकल किट्स पहुँचाई है। एक बार मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ।